वीडियो देख रही हैं सब संगतां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब प्रणाम। जेकर किसी भी धार्मिक अस्थान ते परमात्मा दी बनाई कुदरत दे दर्शन करने होण या कुदरत दी गोद दे विच बैठ के परमात्मा दी सिफत सलाह करनी होवे तां वख-वख धार्मिक अस्थानां विचों गुरद्वारा तपोबन टक्की साहिब दा नाम पहले स्थान ते होवेगा। पंजाब दे जिला लुधियाना दे शहर दोराहा दे नज़दीक स्थित गुरद्वारा तपोबन टक्की साहिब दुनिया दा एक ऐसा अनोखा कुदरती स्थान है जिथे सानू कुदरत दी गोद दा आनंद प्राप्त हुंदा है। तपोबन टक्की साहिब दे इतिहास दे पन्नियां विच्चों अज असी आप जी नूं एक ऐसी अद्भुत अनोखी घटना दे दर्शन करवाउण जा रहे हां जिस नूं देख के साढ़े सुके हुए उदास मन फिर तो हरे हो जाएंगे। एक ऐसा अनोखा दृश्य जो साढ़े दिल विच परमात्मा दे विराग दी चिणग लगा देवेगा। एक ऐसा अद्भुत दृश्य जो साढ़े दिलां विच परमात्मा दी भगती दा बीज बो देवेगा अते साढ़े मन विच भी परमात्मा नूं मिलण दी इच्छा पैदा हो जाएगी। एक ऐसा दिल नूं टुंबण वाला दृश्य जो सानू चढ़दी कला वल लेके जावेगा ते साढ़े मना विच परमात्मा दी भगती प्रति उत्साह पैदा कर देवेगा। इस दृश्य नूं देख के एक नास्तिक भी आस्तिक बन सकता है क्योंकि जिन्हां ने यह अद्भुत घटना प्रतख अपने अखीं देखी उन्हां दे जीवन बदल गए। बहुत सारे लोगों ने बहमा भरमा जादू टूणिया पाखंडा विच्चों निकल के नशिया विषयां दा त्याग करके परमात्मा दी भगती दा राह चुन लिया। जेकर तुसी भी परमात्मा दे प्रतख दर्शनां दी इच्छा रखते हो जां परमात्मा दी भगती करनी चाहते हो तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखना। यह घटना है 5 मार्च 1999 की जदों परमात्मा दे नाम की मूरत श्री हजूर संत बाबा दर्शन सिंह जी पूरे 1 साल की कठिन तपस्या करने उपरंत अपनी कच्ची कुटिया विच्चों बाहर आए सन। 22 फरवरी 1987 ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਣੇ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਟਿਕਾਏ ਸਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤਰ ਤੀਬਰ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਣੇ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 40-40 ਦਿਨ ਦੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ इस कच्ची कुटिया दे विच बैठ के परमात्मा दी भगती विच लीन हो गए। कुटिया दे दरवाजे नाल कंध विच एक छोटा जिहा आला सी जिस विच सेवादार मिथे समय अनुसार कोई हल्का भोजन तैयार करके रख दिंदे सन। संत जी जरूरत अनुसार लै लैंदे नहीं तां कई वार कई कई दिन कुछ भी ना छकदे। पूरे 6 महीने की कठिन तपस्या उपरंत जदों आप जी कच्ची कुटिया दे विच्चों बाहर आए तो शरीर बिल्कुल ही किरस बन चुकिया सी। उत्थे हाजर संगतां जिन्हां ने कदे यह सुनिया सी कि परमात्मा दे प्यारे जदों परम बैराग विच आके परमात्मा दी भगती करदे हन तां ओ ना तां भुख प्यास दी परवाह करदे हन अते ना ही अपने शरीर दी, परंतु अज ओ वर्तारा सब नूं प्रतक्ष अपने अखीं वेखण नूं मिल रहा सी। 6 महीने की कठिन तपस्या उपरंत संत जी 2 महीने तक संगतां दे विच विचरदे रहे, परंतु जिस तरह दशमेश पिता जी का पावन फुरमान है, जितना भयो हमरो आवन कह चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, परमात्मा दे भगतां दी सुरती 8 पहर ही उस परमेश्वर दे नाम दे विच लगी रहिंदी है। उन्हां दा कदे भी इस संसार दे विच विचरन जां दुनिया दे लोकां नाल गलबात करन
दिल नहीं करता हुंदा। 6 महीने दी कठिन तपस्या उपरंत संत जी महाराज ने अपने परम प्यारे परमात्मा नाल गलवक्कड़ी पाउण लई लगातार 1 साल भारी तपस्या करन दा फैसला कीता। संत जी महाराज परमात्मा दे अगम्मी हुकम अंदर पूरे 1 साल दी बंदगी करन लई एक छोटी जी कखां कानियां दी कच्ची कुटिया दे अंदर बनी कच्चे भोरा साहिब दे विच विराज गए। उत्थे हाजर संगतां दी अखां विच्चों प्यार दे हंजू वग रहे सन, क्योंकि वह जानते सन कि हुण ये नूरानी चेहरे दे दर्शन पूरे 1 साल बाद ही नसीब होणगे। वह कच्चा भोरा साहिब इन्ना छोटा सी कि उस विच सिर्फ चौंकड़ा लगा के ही बैठिया जा सकता सी। कच्चे भोरा साहिब विच संत जी महाराज परमात्मा दे नाम विच लवलीन सन। उस विच ना तो कोई लाइट ते ना ही कोई पक्खा सी। तपस्या दौरान अत दर्जे की गर्मी पैंदी सी। सब श्रद्धालु यह सोचते सन कि सानू बाहर पक्खियां हेठ बैठना मुश्किल लगता है, परंतु बिना पक्खे तो अत दर्जे की गर्मी विच संत जी दे शरीर की की हालत होवेगी। परंतु संत जी ने तो गुरबाणी दे विच दर्ज हर बिन नींद भूख कौ कैसी कापड़ तन ना सुखावे दे पावन फुरमान नूं प्रैक्टिकल रूप विच करके दिखाउणा सी कि एक सच्चा बैरागी परमात्मा दी बंदगी करन समें ना गर्मी सर्दी मीह हनेरी दी परवाह करदा है ते ना ही उस नूं भुख प्यास दी परवाह हुंदी है। उन्हां दिनां विच पंजाब दे विच भारे हड़ आए हुए सन। इस तपोबन विच भी सारे पासे पानी ही पानी फिर रहा सी। सब संगतां नूं इह फिकर हो गया कि हुण की बनेगा, परंतु परमात्मा दा करिश्मा देखो, ओ पानी संत जी दी कुटिया दे नेड़े तक नहीं गया, बल्कि दूरों ही वापस मुड़ गया। उस समय संगतां ने भी आप जी दी तंदरुस्ती ते चढ़दी कला लई सहज पाठ आरंभ कर दित्ते, जो सारा साल चलदे रहे। उस समय सारियां संगतां बहुत ही व्याकुलता नाल गिण गिण के दिन ते रातां कट रहे सन। सब नूं ऋषि जी दे दर्शनां दी उड़ीक सी। उधर प्यारे ऋषि जी ने भी पूरा 1 साल सूरज तक नहीं वेख्या। आखिरकार पूरे 1 साल बाद वह भागा भरिया दिन आया जदों संत जी का 1 साल का तप पूरा हो चुका सी। 5 मार्च 1999 में वह दिन सी जदों सब श्रद्धालुओं की पूरे 1 साल की उड़ीक खत्म हो चुकी सी। सारे ही श्रद्धालु अपने परम प्यारे दी एक झलक नूं देखण लई तरस रहे सन। सब संगतां संत महाराज जी दी एक झलक पाउण लई दूरों दूरों दौड़े आए। आखिरकार वह घड़ी भी आ गई जदों उस कच्चे भोरा साहिब दा दरवाजा पूरे 1 साल बाद खुलिया। दरवाजा खुलदे सार ही संगतां ने जयकारियां दी गूंज नाल आसमान नूं गुंजा दिता। संत जी दे माता पिता ते संगतां ने हौली हौली उस भोरा साहिब विच्चों संत जी नूं बाहर लैके आंदा। हजारां संगतां जुड़ियां हुईयां सन जो ऋषि जी दे नौरानी दर्शन दी एक झलक नूं पाउणा चाहुंदियां सन। कठिन तपस्या करके
ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਪ ਦਾ ਤੇਜ ਅਕੈ ਤੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਪੋਬਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਕਾਰੇ ਵੀ ਵੱਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੀ ਮਸਤੀ ਤੇ ਸਰੂਰ ਜਿਹਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਡੂੰਘੇ ਕਟਕਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਧੌਂਕਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੈਰਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੜੂਆਂ ਤੋਂ 22 ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਮਕਸੂਦੜਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਸਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਵੀ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਉਪਰੰਤ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੱਚੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਰੀ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ
इस अद्भुत अनोखे दृश्य दे दर्शन कीते, उन्हां दे जीवन बदल गए। अते जो आउण वालियां संगतां इस वीडियो दे राही इस अद्भुत अनोखी घटना दे दर्शन करनगे, उन्हां दे भी जीवन बदल जाणगे। इस वीडियो नूं संगतां तक पहुंचाउण दा साडा सिर्फ यही मकसद है कि हो सकदा है किसे दे मन विच यह वीडियो देख के परमात्मा की भगति करन दा चाओ पैदा हो जावे। हो सकदा है किसे दे मन विच परमात्मा नूं मिलन दी इच्छा पैदा हो जावे, क्योंकि संत बाबा दर्शन सिंह जी दा मुख उद्देश ही संगतां नूं परमात्मा की भगती दे नाल जोड़ना है। संत जी हमेशा सब नूं यही संदेश दिंदे हन कि सानू सारिआं नूं आपो अपने धर्म विच परपक होके सेवा सिमरन सत्संग करना चाहिदा है, जिस नाल असी एक सुखी ते खुशहाल जीवन बतीत कर सकते हैं। जेकर आप जी नूं यह वीडियो वधिया लगी तो इसनूं अगे शेयर करना ना भुलना। धन्यवाद।